वहीं आरजेडी के नेता और महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने किया है आरजेडी को बहुमत मिलने का दावा। टीवी 9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत में तेजस्वी ने क्या दावा किया, क्या वो बोले, जरा सुनिए। ऑलमोस्ट लगता है 247 जगहों पर हमने रैलियां की हैं, और जो कि 10-15 दिनों में बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं। एक दिन में मैक्सिमम हमने 19 रैलियां की हैं। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। 247 इज अ बिग नंबर। आप 247 कह रहे हैं तो बहुत बड़ा नंबर है। काफ़ी बड़ा नंबर है। तो एक दिन में 19 एवरेज जो था वो 15-16 होता ही था। जो जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है वो वोट में परिवर्तित होने वाली है, मतलब जो पहला दूसरा चरण का गया है वो कन्वर्ट तो हुआ है वोट, और पक्का हम लोग कंफर्टेबली मेजॉरिटी में गवर्नमेंट जो है बहुमत हमारी हारी है। विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, आपने सुना तेजस्वी यादव कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हम जातियों का जिक्र कर रहे थे, जातिगत राजनीति का, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी एक नई जाति के तौर पर मतदान कर रही है, क्या वाकई है ऐसा? बिल्कुल, देखिए जो भीड़ उमड़ रही थी और जिस तरह के मुद्दे तेजस्वी यादव ने उठाए थे उसे देखकर ये जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी बात और लोगों को कन्विंस करने में कामयाब रहे हैं। और बेरोजगारी पलायन एक बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन रैलियों में आ रही भीड़ और ये बेरोजगारी, ये जो बेरोजगारों की बड़ी खेप बिहार में तैयार होकर बैठी हुई है कई दशकों से, और नई खेप भी जो आ रही है, क्या वो तेजस्वी यादव की बात पर भरोसा करेगी, ये बड़ा सवाल है। और अगर भरोसा करती है तो जो भीड़ जुट रही है और जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे उसके आधार पर वो सफल होते नजर आ रहे हैं, लेकिन ईवीएम में आज शाम 5 बजे तक वो तमाम मतदान कैद हो जाएंगे और 10 तारीख को ये साफ हो पाएगा कि तेजस्वी यादव अपनी बात कन्विंस करने में, लोगों को कन्विंस करने में, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में कितना कामयाब रहे हैं। और जो पहली बात मैं कर रहा था, क्या जाति से उठकर लोग वोट करेंगे, एक बड़ा बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार में, जाति से इनकार नहीं कर सकते। तो अगर जाति से उठकर वोट करते हैं तो शायद तेजस्वी यादव हीरो बनते नजर आएंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मुश्किल है तेजस्वी यादव के लिए। बिल्कुल, शिवांगी ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांगी, जो उत्साह, जो जोशो जुनून नजर आ रहा था सुबह सुबह, क्या वो और बढ़ा है, कम तो नहीं हो गया? और इस बीच ये भी खबर आ रही थी सीतामढ़ी में एक दो जगहों पर वोटिंग मशीन जो है, ईवीएम जो है वो खराब हो गई है। बिल्कुल समीर, जिस ज़िले में हम हैं वहीं पर ईवीएम मशीन जो है वो ख़राब हो गई थी, लेकिन जो जिक्र आप कर रहे थे, जो सवाल आपने पूछा कि क्या लोग जो हैं, क्या वोटर्स जो है वो मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं, तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं, और लोग आ रहे हैं, भारी संख्या में आ रहे हैं, महिलाएँ पुरुष, हालाँकि महिलाओं की कतार जो है वो हमें पुरुषों की कतार से ज़्यादा नज़र आ रही है। और अगर इस बूथ की बात करें तो यहाँ बोलबाला महिलाओं का ही नज़र आ रहा है, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर महिला वोटर है, भारी संख्या में यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी हैं, और एक महिला होने के नाते यहाँ से मैं भी रिपोर्टिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पर महिलाओं का बोलबाला काफ़ी दिख रहा है। साथ ही जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि क्या समीकरण होगा, बेरोजगारी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तमाम लोगों से हमने बातचीत की, बेरोजगारी मुद्दा है, तेजस्वी में उन्हें उम्मीद नज़र आती है, लेकिन वो जो है वो आरजेडी से कहीं ना कहीं घबरा भी रहे हैं कि कहीं जंगल राज जो है वो वापस ना आ जाए। साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जो नीतीश कुमार से नाराज़ है लेकिन एनडीए को पसंद करते हैं। तो इस बार जो चुनाव हो रहे हैं बिहार में वो काफ़ी दिलचस्प होने वाले हैं, और जैसा कि हमने महाराष्ट्र में देखा था कि इलेक्शन के बाद समीकरण बदले थे, तो हो सकता है बिहार में भी इस तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिलेगी। आज शाम तक जितने भी मतदाता हैं अपना बहुमूल्य वोट डालेंगे, और 10 तारीख को देखना होगा कि आखिर मतदाताओं ने किसको चुना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और बैटल ऑफ बिहार में फिलहाल किस पर भारी पड़ेगा शनिवार, इस पर भी है सबकी नजरें। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।